bueno. Por de. Como niño. ये मना करती है मेरा किसी को नहीं छेड़ना तुम भैया आप कर लेंगे ये तो आना अभी दूसरी बार तो आइए सारे दर्द कहाँ में चलते रहो जी जा रख जैसे तो पहले उसको कम तो होने दो हल्का तो होने दो चलो जल्दी कहाँ करते हो 44 45 46 47 48 चल शॉर्ट बनाऊंगा मैं महसूस कर करियो अरे मेरी तरफ मुंह कर हां करियो जय शनिदेव का जाप करा करके खूब से खा लगे चल बोल शनिदेव महाराज मेरी कमर के दर्द को बलहीन करे भारी करे आंख एक मिनट नहीं बंद होती तुम्हारी बैठने से अगर दर्द बढ़ता है तो फिर हमारा नहीं है फिर नाड़ी दबी हुई है ठीक है अगर बिना बैठे दर्द होता है खड़े खड़े दर्द होता है तो हमारा है और खड़े रहने से दर्द बढ़ता है तो भी हमारा नहीं है डॉक्टर का बोलो हाँ डॉक्टर नहीं बताएगा ये बात हम बता देंगे हम अपने अनुभव से बता देंगे डॉक्टर के अनुभव कम है डॉक्टर का अनुभव तो ऐसा है प्रेत कमर की रीढ़ की हड्डी में बैठा और डॉक्टर ऑपरेशन बताता है कहता है तेरी हड्डी में फ्रैक्चर आ गया डॉक्टर के अनुभव तो हमने बहुत पकड़ लिया रात दिन रात दिन हमने देख लिया डॉक्टर तो जो है क्या कहते हैं कि उसको तो अपनी मशीनों पे भरोसा है ठीक है ना तो उसको और किसी चीज पे भरोसा हो नहीं सकता कदापि वो केवल मशीन पे भरोसा करता है और जो केवल एक ही चीज पे भरोसा करता है मानव की बनाई हुई मशीन पे भरोसा करता है वो मांस खाएगा खाएगा क्योंकि हमारा नाम तो हमारा तो भगवान के नाम पे भरोसा है हमारा किसी मशीन पे भरोसा है नहीं बोलो शनिदेव महाराज की अभी झुकना अभी बैठना मेरे सामने करके देखना जा अरे बैठ के देख ले जब पता चल जाएगा मेरा है कि किसी और का है ज्यादातर बैठने से होता है अगला नंबर बोलो 49 50 50 नंबर 51 52 मिल गया 52 53 आ जाओ अच्छा हम ना आप ही तो साथ हो आपको थोड़ी फिर कहाँ का दर्द है डॉक्टर ने क्या बताया आ गया हो गया रीढ़ की हड्डी का गैप पूरा बोल हाँ के ना अरे अब रीढ़ की हड्डी का गैप भर गया तेरा इस टाइम फिर दर्द को ही तो दिखाने जाते हो डॉक्टर के दर्द को ही दिखाने जाते हो एमआरआई में आया था उसका भी तो एमआरआई में ही आया होगा अगर तेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है तेरे सामने ही तो हुआ है वो केस मेरे सामने थोड़े ना हुआ है मैं आदमी से 125 लेता हूँ उसको 1,00,000 दे के झूठी वीडियो थोड़ी ना बनवा सकता हूँ हैं या इससे 1,00,000 ले लिया मैंने तेरी कमर में दर्द है अब बैठने से दर्द हो रहा है थोड़ा बहुत भी फिर काहे का गैप है रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर की एमआरआई में आया था फोड़ दे मशीन ने ठाके बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की मशीन ने ठाके फोड़ दे ये एमआरआई की मशीन है किसी काम की देख तो लिया तूने उसकी एमआरआई में आ गया तेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है तेरी में आ गया गैप है ठीक है फिर मनु भैया काहे ठीक कर दे नाम से जा रही है जो चीज अभी तक तो मैंने हथौड़ी नहीं मारी ना तुझे अभी तक तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया कान कान में फूंक मारी है फिर वो तेरे सामने 1.5 घंटा नाच के गई है फिर हर तरह से नाची है बहन जी अरे आया समझ में कि नहीं अब आता है कहाँ गैप है अब बैठने से दर्द बढ़े और बैठ ले 2.5 घंटे बैठ ले मेरे सामने नहीं 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 अरे नहीं बैठा जाता था तेरा वचन कितना बढ़ा है गोली खा के अरे वचन कितना बढ़ा है तब से काफी बढ़ गया ये फैल जाएंगे शरीर खा खा के गोलियां खा खा के मैंने 10-20 खाई होगी दांत के दर्द के लिए पेट इतना बाहर आ गया ना एलोपैथी की दुनिया में कोई चिकित्सा है नहीं ये सबसे झूठी चिकित्सा है फरोड़ चिकित्सा है क्या है फरोड़ चिकित्सा है और ये देख लो फिर डॉक्टर भी फरोड़ हो गए क्यों ना हो
कंधे में दर्द था, सर्वाइकल भी बताया था, अभी कहीं दर्द है? अभी तेरे सामने एक का सर्वाइकल ठीक करके भेजा है, अभी तुझे कई कण मात्र भी दर्द है? तेरी उम्र कितनी है? 48 है। तू 99 की हो जाए तब भी तुझे कण मात्र दर्द नहीं होना चाहिए, प्रकृति के अनुकूल जो शरीर भगवान ने दिया हमें, अगर हम उसको ठीक से रखते हैं तो हमें इतना सा भी दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन दर्द हो रहा है इसका मतलब खतरे की घंटी है, दर्द हो रहा है इसका मतलब हमें प्रेत बाधित है, हम पितृ दोष से बाधित है, इसका मतलब कोई श्राप हमें लग गया, कोई देव दोष हमें लग गया। बोलो कौन झूठा करेगा ना इस दरबार को, झूठा करके दिखा, पूरी दुनिया की ताकत नहीं है। बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो भगवान के मनु भैया जी की जय, बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय, बोलो बाबा मोहन राम की जय, बोलो साचे दरबार की जय। लोग भगवान बन के भी ये काम नहीं कर पाते जो मनु भैया सामान्य से प्राणी बन के कर रहे हैं, मानव बन के कर रहे हैं, जीव भूत बन के कर रहे हैं। ठीक है, महात्मा तक को नहीं पता कि मेरी योनी कौन सी योनी है, महात्मा तक पशु योनी में विचरते हैं, वे भूत प्रेत को कहते हैं, तुम्हें ना पता होते। मानो भैया तो भूत प्रेत शब्द भी कहते हैं तो इसलिए कहते हैं क्योंकि भूतों में ही प्रेत आ रहे हैं यहाँ। ठीक है, और उनको जीव भूत का तो पता ही नहीं है, उनको यही नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कोई जीवात्मा है। ठीक है, संसार का इतना बुरा हाल हो गया, इतना कलयुग आ गया है कि वे केवल गद्दी पे रह के तिलक लगा के पीले कपड़े पहन के लाल कपड़े पहन के विचरना चाहते हैं और कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते हैं, या भूत देखा तो उसने ऐसे देखा, या होते हैं तो ऐसे होते हैं, उनको पता ही नहीं कैसे होते हैं। अरे तुम्हें पता हो तो तुम निकाल ना दो, सारी दुनिया में प्रेत घुसा हुआ है और प्रेत से दुनिया भर के विकार आए हुए हैं, प्रेत से दुनिया भर के रोग फैले हुए हैं, एलोपैथी चिकित्सा जो है इतनी छाई हुई है कुछ हद नहीं। ठीक है, उसने अंबार के अंबार लगा दिए, लोगों के घर भर दिए, लोगों को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया लोगों को। कोई है ऐसा जो एलोपैथी चिकित्सा लेके खुश है और वो बार बार पैसे देने जाता है डॉक्टरों के और उसका घर जो है उसके घर का बैलेंस ना बिगड़ा हो? दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं रहा है भारत में कि जिसका घर एलोपैथी ने बिगाड़ा ना हो। बोलो बीमारी आ गई है भाई, इसको कोई भी बीमारी 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख से कम में ठीक नहीं होती, और जब से ये आया है ना कोरोना, ये तुम्हारी सारी बीमारियां और महंगी हो गई। आया समझ में? पैर नहीं रखने देते डॉक्टर, लाख लाख दो 2 लाख रुपए से कम में आपको। अरे क्या करोगे तुम भाई, क्या करना चाहते हो? अपने आप को सुखी रखो, गाजर कंदमूल खाओ, मौज लो, सवेरे सवेरे घूमने जाओ, बच्चों का हाथ पकड़ के, कुछ नहीं रखा दुनिया में, केवल रोटी रोटी की सोचो, बोटी मत खाओ। आया ना समझ? बोलो सनिदेव महाराज की जय, परम पूज्य मनु भैया जी की जय, परम पूज्य गुरु माता जी की जय, बालाजी महाराज की जय, बाबा मोहन राम की जय, साचे दरबार की जय। या तो रोटी खा रहे हो या बेटियों को खा रहे हो। आया ना समझ? बेटियों के साथ क्लेश करते हो, कलह करते हो, वो किसी भी रूप में हो, जब बेटी के रूप में होती है तब भी कलह कष्ट क्लेश है, उसके बिचारी के प्रेत आ जाए, उसका सर घूमने लग जाए तो नाटक कर रही है, ढोंग कर रही है, आगे ससुराल वाले घर से निकाल देते हैं इसको, तो प्रेतवादा है, अपने कहीं और ले जाओ। प्रेतवादा को संसार नकारता है, इतना अंधविश्वास है, ये तो बोले ढोंग है, ढकोसला अंधविश्वास, मूर्ख अंधा विश्वास भगवान पे होता है, ऐसी ऐसी परिभाषाएं देते हैं, अंधविश्वास है, अंधभक्त है। अरे भक्त तो अंधा ही होता है भाई, भक्त देखता कहाँ है, उसको संसार दिखता कहाँ है भक्त को, भक्त को तो भगवान ही दिखते हैं। ठीक है, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ गए हैं लोग, इनसे बेवकूफ कौन है? भारत के आदमी से निम्न स्तर का आदमी दुनिया में नहीं मिलता, ये मैं तुम्हें आज बता दूं। और जो कहते हैं ना हम हिंदू हैं, जो कट्टरता का बाड़ा पैर रहे हैं, मैं हूं कट्टर सनातनी, ये है कट्टरता। अपने शब्दों को साक्षात करके दिखाओ, आपने जो कहा है उसको साक्षात कर दो भाई, शब्द ही तो भ्रम है और शब्दों का ही खेल तुम्हें नहीं आया तो फिर क्या आया? शब्द ही शक्ति है दुनिया की सबसे अचूक, आगे ना गुरु जी, सत्य बोलेगा उसमें अचूकता आएगी आएगी। गुरु जी साइंस ने तो भगवान को भी नहीं देखा तो वो भी अंधविश्वास है। हाँ, साइंस ने भगवान को नहीं देखा, साइंस तो अंधविश्वास में पड़ी हुई है, फिर कहाँ है भगवान की खोज करनी है? और करती है खोज, कौन कहता है नहीं करता? दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं शब्द की खोज करने पे, और शब्द से ही उन्होंने मोबाइल को पाया, शब्द नहीं होता तो मोबाइल नहीं पाता, शब्द की धारा को ही मोबाइल पकड़ता है, तो एक छोर पकड़ा है, और भी सूक्ष्म शब्द है, वो ब्रह्मांड तो इतना सूक्ष्म है, आपके बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, 1,000वां हिस्सा, 10,000वां हिस्सा, इतना सूक्ष्म आत्मा, इतना सूक्ष्म चैतन्य तो आपके शरीर में, तो भगवान का कितना सूक्ष्म है? आए समझो, फिर ब्रह्म का कितना सूक्ष्म है, उस अकाल पुरुष का कितना सूक्ष्म है,
फिर जो सर्वात्मा है उसका कितना सूक्ष्म नहीं है ऐसा, उस तेज की कोई गणना थोड़ी ना है, बाहर के सूर्य के तेज की कोई गणना नहीं है। ये कहते हैं 4.5 लाख डिग्री फोरन हाइट है, मेरे को ये बता दो कौन से ने जाके नापा और नापने का कौन सा यंत्र उसके बराबर में ठहर जाएगा, मेरे को ये बता दे। मैं कहता हूँ 12 लाख नहीं और 65 लाख नहीं, मैं कहता हूँ 500 लाख डिग्री सेल्सियस है सूर्य का तापमान। नाप क्या हो साला, कौन नाप के आएगा दुनिया में, धरती पे कौन पैदा हुआ है? बोलो सनातन महाराज की। किसी की साइंटिस्ट की औकात नहीं है, नासा तक कुछ नहीं कर सकता, क्या कर लेगा, कैसे नाप लेगा बताओ? आप उस डिग्री को कैसे नाप लोगे? कोई भी यंत्र जल भूल के राख हो जाएगा नापने का, कंडे थोड़ी हो जाएगा कि नहीं ना हो जाएगा भाई, कोई यंत्र पहुंच पाएगा वहां तक? मूल में जाके नापो। मैं कहता हूँ भाई 12 लाख डिग्री है, 65,000 से 4.5 लाख से, मैं कहता हूँ 12 लाख, वे कहते हैं 4,65,000 डिग्री सेल्सियस, मैं कहता हूँ 12 लाख डिग्री सेल्सियस। नाप के आओ जाओ, कौन नाप के आता है, देखो कौन सी साइज नाप लेती है, नाप के आए तो सही, जाए तो सही है। ये सब जो है ना औकात से जो ऊपर मुंह कर रहे हैं भगवान के नाम पे, और मैं बताऊं ना बहुतों का, फिर ये कहीं ना कहीं भगवान के नाम पे पैसा भी खाते हैं, ठीक है ना? जो ये कहते हैं भगवान नहीं होते, सालों की उनकी अगरबत्तियों की फैक्ट्रियां हैं, उनकी सामग्री की फैक्ट्रियां हैं, मैंने देखा है। और वे कहते हैं भगवान नहीं होते। अच्छा पी पानी तो लेने गए, उनकी अगरबत्तियों की फैक्ट्रियां है, भगवान नहीं। ये बताओ अभी तू इतनी देर से बैठी है, दर्द है, मैंने यही दुनिया को दिखाना है, आए ना समझ? अरे सब में प्रेत घूम रहे हैं, मान जाओ सब में प्रेत घूम रहे हैं। अरे भारतीयों तुम्हारा कोई ठोर ठिकाना नहीं है, ठीक, तुम में इतना काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ है, तुम मर मर के प्रेत ही बनते हो, तुम कहाँ के आध्यात्मिक हो? बड़े बड़े महात्मा हो गए, बड़े बड़े संत हो गए, आज ऐसे ऐसे संत है उसको अध्यात्म से मतलब नहीं है। इतनी बड़ी गोलियां होती हैं, नोट भरते रहते हैं, चवन्नियां नहीं भरती, 50 रुपए की चवन्नी इकट्ठी करके ले जाते हैं मनु भैया, आया समझ में? इतनी बड़ी मोह नहीं छोड़ पाते लोग पैसों का, एक बार जिसके आने लगता है, ठीक है, मनु भैया ने लेके बना के फिर छोड़ दिया, कोई कर नहीं सकता दुनिया में, दूसरा बिरला नहीं हुआ है जिसको एक बार लक्ष्मी मिल गई और वो लक्ष्मी को छोड़ दे, फैला दे, भूल जाए कि लक्ष्मी कोई नाम की चीज है, चिड़िया है। महाराज की नाम में बल होता है, नाम में, नाम में कृपा होती है, नाम में श्रद्धा होनी चाहिए, नाम ही पार उतारेगा, नाम ही, और कौन पार उतारेगा भाई? इसलिए नाम लो, जितना नाम ले सकते हो, जितना नाम लोगे उतना आप इतिहास बदल पाओगे, क्योंकि नाम में शक्ति है। नाम को धारण कर लो तो धारणा पक्की हो जाएगी, तभी समाधि लगा पाओगे, तभी लोगों को देख पाओगे। कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये भाई पुलिस में बैठा है, ये पूछ लो क्या पुलिस सच्चा न्याय कर रही है, जो वकील है उससे पूछ लो क्या आप ठीक से कर रहे हो, जो जज है उससे पूछ लो क्या आप ठीक कर रहे हो, जो IAS ऑफिसर है उनसे पूछ लो क्या आप ठीक चल रहे हो, किसी की गति ठीक नहीं है। अच्छा एक भगवान का नाम लेने वाले की गति ठीक हो सकती है, उसकी ठीक रहने नहीं देते, उसको भी लोभ पड़ जाता है, तो फिर सामान्य प्राणी का कहेंगे क्या? बोलो भाई फिर सामान्य प्राणी को कहोगे क्या, जब किसी की गति ठीक नहीं है? तो कहीं गति ठीक नहीं हो रही है, कहीं तो कर लो कम से कम भगवान से तो जुड़ जाओ, ठीक है? मरने के बाद तो प्रेत नहीं बनोगे, अपने वालों को सताओगे तो नहीं, तो फिर शर्म आती है जब मुझे, मैं हर घर के पितरों को अपने ही घरों में घुस के और उन्हीं को चाटते हुए देखता हूँ, उन्हीं को खाते हुए देखता हूँ, कितनी शर्म आती है, पता होना चाहिए। इसका मतलब जो हमारे चले गए घर वाले परिवार वाले वे प्रेत बन गए भाई, तो जब वे प्रेत बन गए जिनको हम सज्जन कहते हैं, तो तुम तो खुद जानते हो तुमने क्या क्या कर्म किए। फिर अरे प्रारब्ध के वशीभूत होकर मत रहो, भगवान का नाम लो, जितना लोगे उतने पावन होते चले जाओगे, ये जो जीव भूत है ये पावन हो जाएगा, जीवात्मा ने जो भूत, और वो जीवात्मा अपने आप को देख लेगी, अपना दर्शन खुद कर लेगी, स्वयं में आ जाएगी। आवरण नहीं है, भगवान की तरफ से कोई पर्दा नहीं है, पर्दा हमने लगा रखा है, हमें संसार अच्छा लगता है, उसका कुछ अच्छा लगता ही नहीं। तो फिर बोलो प्रेत नहीं होते, बताओ भाई इतने बड़े बड़े केस ठीक हो रहे हैं, प्रेत ना होते तो केस काहे ठीक होते? मैं डॉक्टर हूँ भाई, मैं भगवान हूँ भाई, ना मैं डॉक्टर ना मैं भगवान, फिर अरे मैं नाम ही हूँ, नाम लेने वाला हूँ, नाम लेने से मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, और नाम भी ले रहा हूँ इतना कि भाई मेरा भी मोक्ष हो जाए, मेरी भी गति हो जाए, तो मैं चेता भी रहा हूँ, कौन चेताने आएगा भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता है। इन झंझावातों से कबीरदास जी एक दिन उलझे थे,
ठीक है लोग आधे गालियां देते हैं आधे ने भगवान मान लिए, ठीक है। मैं तो चाहता नहीं कोई किसी को भगवान माने, जो मानव आया है जिसके पसीना आ रहा है, पसीना सूखता भी है, हवा भी जिसको लगती है, जिसको खाना भी चाहिए 2 जून का आपके बीच में रह के, और जो भगवान की भक्ति भी करता है वो मानव ही है, आए ना समझ। मुझे भगवान बनने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इंसान तो बन लूँ ठीक से। वो इंसान बन के ही तुम्हें चेता रहा हूँ कि जाग जाओ, कहीं ना कुछ रखा आपके घरों में प्रेत है, यही दवाइयाँ खिलाए जा रहे हैं, ना अपने बच्चों का पालन ठीक से होता ना हमारा पालन ठीक से होता है। आधे पैसे को चिकित्सा ले जाती है, आधे पैसे को शिक्षा ले जाती है, हो गई मिट्टी खराब, ठीक है। देश का राजा ये सोच रहा है मैंने क्या क्या कर दिया, वो ये सोच रहा है मैंने कितनी उन्नति कर दी, ठीक है। अंतर में नाश चल रहे हैं, अंतर में प्रेत घुसे पड़े हैं, इसको ढोंग ढकोसला अंधविश्वास कह दिया। लो भाई अगर किसी के सामने गए प्रेत तो वो कहता है कि नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा होती है। अरे ससरे शब्द बाद में आए होंगे, पहले तो प्रेत शब्द आया है, ये कल के बने हुए शब्द है। फिर वेद व्यास जी पता नहीं कई लाख साल पहले प्रेत की संज्ञा दे गए। अरे भाई प्रेत को जान लो, प्रेत को यही राक्षस है, यही रावण है तुम्हारे अंतर में धसा हुआ, बाहर से नहीं आ रहा, यही लड़ाइयाँ कराता है पत्नी की पति से, पति की पत्नी से। आदमी तो प्रेम करने के लिए बना है, मानव मस्तिष्क हमेशा शांत रहना चाहिए, वो शांत नहीं है वो अशांत है। इसका तो डॉक्टर फायदा उठा रहे हैं, तुम डिप्रेशन में हो, तुम डिप्रेशन में हो। चलो ना आदमी को बीमारी होती है तो कर देता है कह कह के, हर डॉक्टर के पास जाएगा तुम डिप्रेशन में हो, उसको ऐसी ऐसी क्लास देने लगेगा, उसके अंतरंग रिश्तों में भी घुस जाएगा तुम डिप्रेशन में हो। अच्छा बताओ पत्नी के साथ कैसे संबंध है, अच्छा बताओ इसके साथ कैसे संबंध है, क्या भाई ये तुम्हारे साथ खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है, तो तुम खुद नहीं चेतोगे सारी दुनिया खेल करती रहेगी तुम्हारे साथ, ठीक। इससे पूछो इतनी देर से बैठी है दर्द है क्या, ना सर्वाइकल का दर्द ना कमर का दर्द, जिस क्रीप की हड्डी पे गैप बताया था, इनकी मशीनें झूठी हैं, ये फ्रॉड धंधा है सारा, एलोपैथी की कोई जरूरत नहीं। क्या साल की हुई है, 48 की हो गई, अभी 48 साल की उम्र में इसको स्टैंड दर्द नहीं है, इसका मतलब इसको दर्द है ही नहीं, तो 75-80 साल की उम्र में भी दर्द नहीं होगा। भगवान ने तो 120 वर्ष के लिए शरीर बनाया, तब तक भी हमें कोई दर्द नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो शरीर में कहीं बैलेंस हुआ इम्बैलेंस हुआ उसको सुधार सकते हो। बहन जी जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय शनि देवा, जोर से बोलो जय बालाजी की। चलो जाओ भाई जो लो, हड्डी ठीक।